दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि कैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में बैठकर भारत में मोदी और योगी जैसे दो बड़े पॉलिटिकल फिगर को टारगेट बना रहा है। और आज यह खबर आ रही है कि किसी अज्ञात शख्स ने पाकिस्तान के कराची में ही दाऊद को जहर दे दिया है, जिसके बाद उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये खबर वैसे तो विभिन्न न्यूज सोर्स से हमें मिल रही है, लेकिन आप सबसे पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को ही सुन लीजिए कि वह इस बारे में क्या कह रही है। की तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनी खेज और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर है, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीज़ों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीज़ों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज़ को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी कह रही है कि सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है और उसको कराची के किसी अस्पताल में रखा गया है। और ये खबर भी है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, कहां तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन एक बात इस ओर इशारा कर रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट का सर्वर डाउन कर दिया गया है। दुनिया भर की इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस पर नजर रखने वाली संस्था नेट ब्लॉक ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाए जाने की पुष्टि की है। हम इस बात को एक एक्स अकाउंट नेट ब्लॉक के माध्यम से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया साइट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान है जो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ तक बोल सकता है। वहीं पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर के नाम से भी एक एक्स पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दाऊद को जहर देने की बात सामने आ रही है, जिसके सही होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। अब हम आपको यह बता दे रहे हैं कि आखिर दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ क्या है। भारत से छिपकर पाकिस्तान में रह रहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम वहां भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कराची में एक अज्ञात शख्स ने उसे जहर दे दिया है, इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई है और उसे एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी है और यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्रेंड भी कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का दावा किया जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि करीब 70 साल का भगोरा दाऊद इब्राहिम दुनिया भर की एजेंसियों से बचते हुए कई सालों से पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। भारत के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम संगठित अपराध, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वह 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल भी हुए थे। उसके अस्पताल में भर्ती होने से जुड़ी परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने का कारण जहर ही हो सकता है, जिससे रहस्य की एक और परत जुड़ गई है। हम आपको यह भी बता दे रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम दशकों से भगोड़ा है और पाकिस्तानी सरकार ISI के साथ मिलकर उसे सुरक्षा देने का काम कर रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सालों से पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन रोड पर बने आलीशान महल में रह रहा है, जहां पर किसी भी अनजान व्यक्ति का आना जाना वर्जित है और इसी के वजह से वह सालों से विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियों से बचा हुआ है।
अभी बीते कुछ महीनों से लगातार पाकिस्तान में अज्ञात शख्स द्वारा वहां के आतंकियों को खत्म करने की खबर आती ही रहती है। इसी सिलसिले में हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम का भी नंबर आ गया हो और शायद वो भी अज्ञात व्यक्ति के हत्थे चढ़ गया हो। अभी तक के लिए इस मामले में कुछ भी कन्फर्म नहीं बताया जा रहा है, लेकिन संभव है कि कुछ ही घंटों के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा उसे सबसे पहले हम ही आप तक लेकर पहुंचाएंगे, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक भी खबर ऐसी नहीं है जो बेजोड़ जोड़ा आप तक नहीं पहुंचाया हो। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।